ये हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी, जिन्हें अखिलेश यादव अपनी ट्रॉफी की तरह हर जगह साथ लेकर घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि अवधेश पासी को अखिलेश इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि बीजेपी को एहसास हो सके कि वो यूपी ही नहीं बल्कि अयोध्या जैसी आइकॉनिक सीट भी हार चुके हैं। सच्चाई है कि जिस अयोध्या के दम पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाई थी, उस फैजाबाद लोकसभा में पार्टी राम मंदिर बनने के बाद भी हार गई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है इसके मुताबिक भितरघात करने वाले विधायकों को पार्टी ने चिन्हित कर लिया है। भितरघात करने वाले बीजेपी विधायक नेतृत्व के रडार पर आ गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों की माने तो जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी सीट नहीं जिता पाए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इस तरह का रहा कि वाराणसी में पीएम मोदी की लीड घट गई। पार्टी ने 10 लाख से जीत का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले दोनों बार के मुकाबले वोट घट गए। 2014 में मोदी को 56% वोट मिले थे। 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 64% तक पहुंच गया, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा 54% पर आ गया। बीजेपी वाराणसी जीत गई, लेकिन यूपी में पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ। बीजेपी के लिए यूपी की हार हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। अब अगर सत्ता विरोधी कोई लहर होती तो बगल के मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में भी इसका असर दिखता, लेकिन इन राज्यों में ऐसा कुछ बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला। यूपी में बीजेपी की हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान हुआ, पूर्वांचल में 11 सीटें बीजेपी हार गई, बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। हार का आलम ये रहा कि अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। समीक्षा के बाद पार्टी को जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक कई विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है।